डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास सिक्स का एसएसटी बुक है। ये हिस्ट्री में से दिया हुआ है। ये चैप्टर थ्री है और इस चैप्टर का नाम है द फर्स्ट सिटीज़ हरप्पन सिविलाइजेशन। तो हरप्पा सिविलाइजेशन का, हरप्पा सभ्यता का कौन कौन से सिटी था उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो फर्स्ट में यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिया हुआ है, जैसे सिविलाइजेशन दिया हुआ है, सभ्यताएँ कहाँ पर विकसित हुई है, जहाँ पर लोगों का विकास हुआ, जहाँ लोगों को अपना जीवन जीने के लिए सुविधाएँ मिला, तो वैसी जगह में सिविलाइजेशन विकसित हुआ। उसके बाद यहाँ पिक्टोरियल स्क्रिप्ट बताया गया है। तो उस समय लोग लिखने के लिए, दूसरे को मैसेज देने के लिए पिक्चर बनाया करते थे, मतलब लिखने की कला जो था वो पिक्टोरियल हुआ करता था। उसके बाद ग्रैनरी दिया हुआ है, स्टोर हाउस फॉर ग्रेन्स, अनाज को जहाँ पे जमा किया जाता था तो उस जगह को ग्रैनरी कहा जाता था। तो यहाँ पर इस चैप्टर को मैं पूरा डिटेल में पढ़कर नहीं बताऊँगा, इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसको मैं सॉल्व करके दूंगा आपको। तो यहाँ पर दिखाया गया है द राइज ऑफ सिटीज़, किस तरह से इस शहरों का विकास हुआ और कैसे एक छोटे से टाउन से, छोटे से शहर से बड़े शहर में बदल गया। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ व्हाट इज सिविलाइजेशन, तो सिविलाइजेशन क्या होता है, तो जहाँ पे लोगों का विकास होता है उसको सिविलाइजेशन कहते हैं, वहीं पे सिविलाइजेशन का, सभ्यता का विकास होता है। तो बेसिकली यहाँ पर जैसे कि बताया गया है कि नदी के किनारे जो है, जहाँ पर पानी की ज़्यादा व्यवस्था था, वैसे जगहों में उसका विकास हुआ है। उस समय में जब लोग मेटल का यूज करने लगे तो ब्रॉन्ज एज कहलाने लगा। उस समय ब्रॉन्ज सबसे ज़्यादा वेपन्स, ब्रॉन्ज का ही वेपन्स बनता था और उसी को लोग ज़्यादा यूज करते थे, इसीलिए उस एज को ब्रॉन्ज एज कहा जाने लगा। उसके बाद आगे में दिया हुआ है अर्लीस्ट सिविलाइजेशन, तो सबसे पहले सिविलाइजेशन, सभ्यता कहाँ विकसित हुआ। तो यहाँ जैसे बताया जा रहा है 5000 वर्ष पहले सभ्यता का विकास हुआ और यहाँ पर कुछ नाम दिया हुआ है, इंदू सिविलाइजेशन और हरप्पा सिविलाइजेशन दिया हुआ है इंडिया में जो इसका विकास हुआ है। उसके बाद इजिप्टियन सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, कुछ सिविलाइजेशन यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे दिया हुआ है सभी जो है अलोंग रिवर बैंक्स, मतलब नदियों के किनारे जो है वहीं पे इसका विकास हुआ। इसके पीछे कई कारण हैं कि नदियों से पानी मिलता था, वहाँ के अगल बगल का जो ज़मीन था उसमें उपजाऊ मिट्टी बिछा दिया जाता था नदियों द्वारा, तो ऐसे जगहों में लोगों को फार्मिंग का सुविधा मिला जिसकी वजह से ये सिविलाइजेशन वहाँ पर विकसित हुए। उसके बाद इंदू सिविलाइजेशन के बारे में दिया हुआ है, तो यहाँ पे इंदू सिविलाइजेशन में जिन लोगों ने इसको खोजा उनका नाम दिया हुआ है दयाराम साहनी, और एक मोहनजोदारो का जिन्होंने खोज किया था उसका नाम दिया हुआ है आर डी बनर्जी। तो इस तरह से यहाँ पे 4700 ईयर्स एगो इसका विकास हुआ था। इसमें कुछ इस तरह का पिक्चर बतलाया गया है कि इस तरह का उस समय घर बना करता था, और यहाँ पर बाहरी जो है खंडहर दिखाया गया है मोहनजोदारो का। यहाँ आगे दिया हुआ है टाउन प्लानिंग एंड डेन सिस्टम, तो टाउन प्लानिंग जो शहर को बसाया गया था वो एक प्लानिंग के तहत बसाया गया था, किस तरह से बनाया जाए किसी को भी असुविधा ना हो इस तरह से। और ड्रेन सिस्टम मतलब वहाँ पे जो नाली बना हुआ था, किस तरह से सारी गंदगी शहर से बाहर चला जाए, इस तरह का ड्रेन सिस्टम बना हुआ था। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है द ग्रेट बाथ एट मोहनजोदारो, तो मोहनजोदारो का ग्रेट बाथ ये एक स्विमिंग पूल है जिसके बारे में यहाँ पर जानकारी दिया गया है। और यहाँ पर सोशल लाइफ, लोगों का उस समय सामाजिक जीवन कैसा हुआ करता था, लोग किस तरह से अपना जीवन यापन करते थे, किस तरह से उनका पहनावा था, किस तरह के कपड़े वो पहना करते थे। और आगे यहाँ पे दिया हुआ ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स मतलब होता है गहने, ज्वेलरी, उस तरह के लोग उस समय किस तरह के ज्वेलरी उपयोग में लाते थे। और यहाँ पर कुछ खिलौनों के बारे में दिया हुआ है, तो बच्चे उस समय किस प्रकार के खिलौने से खेलते थे, कुछ नाम भी यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद इकोनॉमिक लाइफ, अर्थव्यवस्था क्या था, लोग किस तरह का काम क्या करते थे, किस तरह का पेशा अपनाते थे, तो सबसे ज़्यादा लोग जो है एग्रीकल्चर और रियरिंग ऑफ एनिमल्स मतलब खेती करते थे और जानवरों को पालते थे। इसके अलावा लोग कुछ कलाएं सीख गए, कुछ बनाने के लिए सीख गए हाथों से, और जो ज़रूरी चीज़ें होते थे उन चीज़ों को बनाया करते थे। और उस समय बार्टर सिस्टम चलता था, लोग एक सामान के बदले दूसरा सामान बदल दिया करते थे क्योंकि उस समय करेंसी नहीं था। इसके अलावा लोग आर्ट एंड क्राफ्ट में भी दिलचस्पी लिए और कई सारी मूर्तियां बनाने के लिए सीख गए, जिसमें से लोग कुछ जानवरों के, कुछ गॉड के मूर्तियां, भगवान की मूर्तियां भी बनाया करते थे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है द सील्स, सील्स मतलब पत्थरों पे वो लोग पिक्चर को बनाया करते थे, भगवान की मूर्तियां जो है पत्थरों पे खुदाई करके बनाते थे, इस तरह का जानवरों की पिक्चर्स जो है उसको बनाया करते थे। और उस समय से ही लोग धर्म को मानते थे, हालाँकि उस समय कोई मंदिर नहीं था लेकिन फिर भी भगवान को मानते थे और पत्थरों के भगवान को बना लिया करते थे और उसको, उसका पूजा किया करते थे। उस समय लोग पूजा करते थे
पेड़ का, ट्री, वर्शिप्ड ट्री एंड एनिमल्स, जानवर का पूजा करते थे और पेड़ों की पूजा करते थे, इसके अलावा सूर्य की पूजा करते थे, पहाड़ की पूजा क्या करते थे, इस तरह से हिस्ट्री में हम लोग को मिलता है। यहाँ पे स्क्रिप्ट्स द आर्ट ऑफ राइटिंग, लिखने के लिए उन लोग, तो कैसे लिखा जाए उसके लिए लेटर्स पता नहीं होता था, तो स्क्रिप्ट वाज पिक्टोरियल, तो जो लिखाई करते थे वो पिक्टोरियल, पिक्चर छापने के जैसा होता था, मतलब पिक्चर ही छाप दिया करते थे, अपने बात को किसी दूसरे तक पहुँचाने के लिए उन लोग जो है पिक्टोरियल स्क्रिप्ट का उपयोग करते थे। फाइनली यहाँ पे बताया गया है द फॉल ऑफ द सिविलाइजेशन, और सिविलाइजेशन का पतन हो गया, तो पतन कैसे हो गया इसके पतन के बारे में कुछ कंफर्म नहीं कहा जा सकता, लेकिन राइटर्स बतलाते हैं कि हो सकता है कि इसको डिस्ट्रॉय होने के पीछे कोई बड़ा आक्रमण का कारण बना हो, आक्रमण, कोई बड़ा आक्रमण हुआ हो और यह खत्म हो गया हो। इसके अलावा दूसरे ओपिनियंस में बतलाया जाता है कि हो सकता है कि नेचुरल डिजास्टर की वजह से, अर्थक्वेक या फ्लूड्स के कारण जो है यह सभ्यता पतन हो गया हो, सभ्यता खत्म हो गया हो, या फिर इसके अलावा और एक कारण बतलाया जाता है कि या तो जो रिवर के बगल में यह सिविलाइजेशन विकसित हुआ था वो रिवर जो है अपना मोड चेंज कर दिया हो, दूसरी तरफ से बहने लगा हो, तो ऐसी स्थिति में वह जगह जो है डेजर्ट के रूप में बदल गया और ये सिविलाइजेशन वहाँ पे समाप्त हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे बताया जाता है कि इसके पतन का ये सब कारण हो सकता है। तो यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो गया है, यहाँ हड़प्पा के कुछ टाउन्स के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं, और इस चैप्टर का यहाँ पे समरी दिया गया है, इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, और ये एक्सरसाइज है जहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो इसको मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ। फर्स्ट में दिया हुआ है ऑल ओवर द वर्ल्ड द सिविलाइजेशन फ्लोरिस्ट इन द, तो इसका आंसर हो जाएगा रिवर वैली, कहीं पे भी सभ्यता जहाँ विकसित हुआ है तो रिवर वैली के बगल में ही हुआ है। उसके बाद यहाँ पे द सिटी ऑफ हड़प्पा एंड अदर सिटीज फ्लोरिस्ट अबाउट, लगभग वो कितने वर्ष पहले ये फ्लोरिस हुआ, विकसित हुआ, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 4000 ईयर्स एगो, लगभग 5000 वर्ष पहले दिया हुआ है, तो 4000 वर्ष एगो हो गया। इसके बाद द हड़प्पा सील्स वेयर मैड ऑफ, इसका आंसर हो जाएगा टेराकोटा एंड सॉप स्टोन्स, तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी नंबर का आंसर हो जाएगा। इसके आगे यहाँ पे दिया हुआ है एन आर्कोलॉजिस्ट स्टडी ह्यूमन हिस्ट्री थ्रू, तो किसके द्वारा आर्कोलॉजिस्ट जो है ह्यूमन हिस्ट्री का स्टडी करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सकेवेशन ऑफ साइट्स, तो ये ए नंबर का आंसर हो जाएगा ये। और टू नंबर में द सिटी ऑफ हड़प्पा वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर रावी, तो इसका आंसर रावी नदी के किनारे हड़प्पा सिविलाइजेशन का विकास हुआ था। क्वेश्चन नंबर सी द मोस्ट रिमार्केबल बिल्डिंग ऑफ हड़प्पा इन द इज द, तो सबसे मोस्ट रिमार्केबल बिल्डिंग था ग्रेट ग्रेनरी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द हड़प्पन पीपुल वाज, हड़प्पन पीपुल, हड़प्पा सभ्यता का जो लोग थे उन लोगों का मुख्य पेशा क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा एग्रीकल्चर, ये लोग खेती क्या करते थे और पशुओं को पालते थे, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर दिया हुआ है। द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज रूरल, ग्रामीण था या अर्बन था, तो वहाँ पे काफ़ी सारा सिटी बना हुआ था, इसका मतलब है कि अर्बन था। ये कंप्लीट हो गया, अब यहाँ पे मैच करते हैं हम लोग इसको। थ्री नंबर में मैच द कॉलम्स दिया हुआ है, तो यहाँ पे वन नंबर में ग्रेट ग्रेनरी दिया हुआ है, तो ये स्टोर हाउस फॉर ग्रेन्स, ये हो जाएगा, इसको यहाँ पे वन नंबर का बी में मैच कर देते हैं। और नोबल मैन, तो नोबल मैन का हो जाएगा वेयरिंग ए शॉल, तो यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा ये, तो इसको यहाँ पे डी नंबर मैच करते हैं। और मोहनजोदारो, तो मोहनजोदारो का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा लरकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध, तो यहाँ पे इसको ए के साथ मैच कर देते हैं। ए फेमस सील, ए फेमस सील, इसका हो जाएगा पशुपति, तो यहाँ पे इसको इसके साथ मैच कर देते हैं। द हड़प्पा स्क्रिप्ट विक्टोरियल, तो यहाँ पे इसको एफ नंबर के साथ मैच कर देते हैं। और लोथल, लोथल हड़प्पन पॉट सिटी, इसको इसके साथ मैच करते हैं। तो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है, अब ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है इसको भी हम लोग कर लेते हैं। फोर नंबर में यहाँ जो कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है और ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर ज़्यादा लंबा नहीं होगा। नेम द टॉयज दैट द हड़प्पन चिल्ड्रेन प्लेड विथ, हड़प्पन चिल्ड्रेन उस समय किस प्रकार के खिलौने से खेलते थे उसके नाम बतलाने के लिए कहा गया है। तो चलिए मैं आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन का आंसर मैं दे देता हूँ। चैप्टर थ्री का शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, नेम द टॉयज दैट द हड़प्पन चिल्ड्रेन प्लेड विथ, व्हील कार्ट्स व्हीसल्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ क्ले आर सम टॉयज दैट हड़प्पन चिल्ड्रेन प्लेड विथ। टू नंबर में दिया हुआ है मेंशन एनी टू रीजन्स व्हिच माइट हैव कॉज्ड द फॉल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन का दो कारण बतलाने के लिए कहा गया है कि किस तरह से ये डिस्ट्रॉय हुआ, इसका पतन हुआ।
द रीजन ऑफ द फॉल ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन, टू रीजन्स ऑफ द फॉल ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन, सम राइटर्स बिलीव दैट दिस सिटी इज डिस्ट्रॉयड बाय द इन्वेडर्स, अदर ओपिनियंस आर इट इज डिस्ट्रॉयड बाय अर्थक्वेक और फ्लूड्स। और तीसरे नंबर में, हाउ वाज स्क्रिप्ट ऑफ डोलवीरा डिफरेंट फ्रॉम द अदर हरप्पन स्क्रिप्ट्स, द स्क्रिप्ट ऑफ डोलवीरा वाज डिफरेंट फ्रॉम द अदर हरप्पन स्क्रिप्ट बिकॉज दिस लेटर्स वेयर मेड ऑफ व्हाइट स्टोन। क्वेश्चन नंबर फोर, नेम एनी फोर सेंटर्स ऑफ हरप्पन कल्चर, गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। हरप्पन कल्चर का ये सेंटर है। उसके बाद लास्ट में दिया हुआ है, नेम थ्री हरप्पन सिटीज दैट वेयर फाउंड इन प्रजेंट डे गुजरात। तो थ्री हरप्पन सिटीज आर डोलवीरा, लोथल एंड रंगपुर। तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसके आगे का जो क्वेश्चन है तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर हमारा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं।